नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। ये कहानी अगर आप पूरी देखेंगे तो ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। कहानी का शीर्षक है इंसानियत आज भी जिंदा है। एक सज्जन व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तभी एक जूते पॉलिश करने वाला बच्चा वहां आता है और उनसे कहता है साहब जूते पॉलिश कर दो। उस व्यक्ति ने उस लड़के की तरफ देखा और अपने जूते आगे बढ़ा दिए और कहने लगे लो ठीक से चमकाना। लड़के ने काम शुरू किया। लड़का धीरे धीरे पॉलिश कर रहा था। उस व्यक्ति ने कहा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, थोड़ी स्फूर्ति दिखाओ, लेकिन लड़का चुप रहा। इतने में भागता हुआ एक दूसरा लड़का वहां आया, उसने जूते लिए फटाफट पॉलिश करके चमकाकर साहब को पहना दिए। अब जूते वाले व्यक्ति सोचने लगा कि यार किसको पैसे दूं, अभी दोनों में आपस में झगड़ा ना हो। खैर उन्होंने उस बच्चे को जिसने काम पूरा किया था जो बाद में आया था उसको पैसे दे दिए। तभी उन्होंने देखा कि उस बाद में आने वाले बच्चे ने वो पैसे उस पहले वाले बच्चे को दिए, उसकी पीठ थपथपाई और दोनों वहां से चलने लगे। आदमी को ये देखकर रहा नहीं गया, उसने तुरंत उस लड़के को आवाज लगाई और कहा कि तुमने पैसे इसको दे दिए, क्या चक्कर है? लड़का बोला साहब 4 महीने पहले चलती ट्रेन में से गिर गया था, बहुत चोटें आई हैं, भगवान की कृपा से बच गया है, ना बचता तो इसकी मां और इसकी बहनों का क्या होता। लेकिन लड़का बहुत स्वाभिमानी है, भीख नहीं मांग सकता। वो थोड़ा रुका और बोला साहब इस स्टेशन पर जूते पॉलिश करने वाले का एक ग्रुप है और उस ग्रुप को एक चाचा चलाते हैं, चाचा बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, वो सत्संग में जाते हैं और सत्संग की बातें हमें भी बताते हैं। उन्होंने हमारे सामने एक सुझाव रखा था कि अभी ये गिर गया है और ज्यादा स्फूर्ति से काम नहीं कर सकता, तो हम सबको मिलकर क्यों ना इसकी मदद करनी चाहिए। हम अपने साथी के प्रति वफादार रहें, जैसे शरीर के अंग हैं, आंख हैं, हाथ हैं, उंगलियां हैं, पैर हैं, ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। इसलिए हम प्रतिदिन एक जोड़ी जूते से जो आय होती है वो हर व्यक्ति इसको देता है और उसके काम में मदद करता है। ऐसा आपसी प्रेम, सहयोग, एकता और मानवता की बातें सुनकर सज्जन व्यक्ति चकित रह गया। उन्होंने उस लड़के की पीठ थपथपाई और कहने लगे इंसानियत आज भी जिंदा है, तुम जो कर रहे हो उसका वो अनमोल है। अगर यही सोच इस समाज के सब लोग आपस में रख लें तो ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई बैर होगा और एक दूसरे की मदद भी हो जाएगी। दोस्तों इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है, इंसानियत को अपने जीवन का अटूट हिस्सा जरूर बनाएं। किस रूप में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन इंसानियत को जिंदा रखें, हर हाल में रखें और ये आप कर सकते हैं। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।